आईपीएल 2019 सातवां मैच हुआ मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में। मैच को मुंबई इंडियंस ने जीता। आखिरी दो ओवर्स में रॉयल चैलेंजर्स को जीतने के लिए 22 रन चाहिए थे। 19वां ओवर फेंका जसप्रीत बुमराह ने जिसमें सिर्फ 5 रन आए। इसकी वजह से आखिरी ओवर में जीतने के लिए आरसीबी को 17 रनों की जरूरत थी। मुंबई ये मैच जीत गई। मलिंगा को पहली गेंद पर छक्का जरूर पड़ा लेकिन इसके बाद उन्होंने सिर्फ 5 ही रन दिए। 6 रन से मुंबई इंडियंस मैच जीत चुकी थी और पॉइंट्स टेबल में अपना खाता भी खोल चुकी थी। सभी प्लेयर्स मैदान से बाहर निकल रहे थे और हाथ मिला रहे थे। इसी बीच मैदान पे वो जो बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है उस पर एक तस्वीर आई। ये मैच की आखिरी गेंद की तस्वीर थी। मालूम पड़ा कि ये एक नो बॉल थी लेकिन अंपायर एस रवि से मिस हो गई थी। हर कोई भौचक्का था। विराट कोहली हारने वाले कप्तान गुस्से में थे। उन्होंने इसके तुरंत बाद टीवी पर दिए इंटरव्यू में कहा कि आईपीएल का मैच चल रहा है, कोई क्लब लेवल का क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है। अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। उन्होंने जो भी कहा गुस्से में कहा और काफी साफ शब्दों में कहा। इसके बाद से बवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। टीवी इंटरव्यू में अपना गुस्सा जाहिर करने के अलावा विराट कोहली के बारे में एक बात और सामने आई है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली ने मैच रेफरी मनु नैयर पर चिल्लाते हुए कहा, अंपायर की इस तरह की गलती पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है तो मुझे भी परवाह नहीं होगी अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मुझ पर जुर्माना लग जाता है तो। यह कोई तरीका नहीं है अंपायरिंग का। कोहली की इन बातों को खूब समर्थन मिल रहा है। आईपीएल में मैच ऑफिशियल्स पर अब तक कई सवाल उठ चुके हैं। रोहित शर्मा ने मैच के बाद एक और उदाहरण देते हुए कहा कि ये एक ह्यूमन एरर थी जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अंपायर्स का एक फैसला उनके खिलाफ उनकी टीम के खिलाफ भी गया है। ये मौका था तब का जब कीरन पोलार्ड बैटिंग कर रहे थे और चाहल अपने स्पेल की आखिरी गेंद फेंकने जा रहे थे। चाहल की आखिरी गेंद लेग स्टंप से बाहर गई जिसे पार्थिव पटेल ने डाउन द लेग पकड़ा था। अंपायर ने इसे वाइड दिया। अगली गेंद यानी अब चाहल ने अपने स्पेल की जब आखिरी लीगल गेंद जब फेंकी तो उस पर पोलार्ड कैच आउट हो गए। मालूम पड़ा कि पिछली गेंद जो कि वाइड करार दी गई थी असल में वाइड थी ही नहीं, वो पोलार्ड के पैड से लगकर गई थी। अगर उसे वाइड न दिया जाता तो ओवर वहीं खत्म हो जाता और पोलार्ड आउट नहीं होते। मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की क्रिकेट कवरेज। टूर्नामेंट से जुड़ी खबरें, अपडेट्स वगैरह हम ऐसे ही आप तक लाते रहेंगे। अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करिए और देखते रहिए thelallantop.com।